युवाओं की आर्मी में अखिलेश ने सचिव किया नियुक्त। इस युवा को अखिलेश यादव ने दी बड़ी जिम्मेदारी। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले लिया बड़ा फैसला। नए सचिव ने पार्टी को मजबूत करने का लिया संकल्प। कहा, अखिलेश यादव को सीएम बनाकर ही लूंगा दम। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार संगठन में बदलाव तो कर ही रही है, साथ ही आने वाले चुनावों को देखते हुए युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवा जोश के सहारे प्रदेश की सत्ता को हासिल करने में सफलता हासिल की जा सके। अखिलेश यादव एक के बाद एक पदाधिकारियों की नियुक्ति तो कर ही रहे हैं, साथ ही लगातार पार्टी को मजबूती देने के लिए नए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अब सपा के युवा संगठन में अखिलेश यादव ने नया सचिव नियुक्त किया है और नए सचिव की नियुक्ति के साथ ही तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी बलिया के रवि प्रकाश यादव को सौंपी गई है। युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने पार्टी के द्वारा रवि प्रकाश यादव को सौंपी गई जिम्मेदारी पर खुशी जाहिर की है। समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश सचिव नामित होने के बाद रवि प्रकाश यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, इसका मैं पूरी श्रद्धा के साथ निर्वहन करूंगा और पार्टी को मजबूती देने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। रवि प्रकाश यादव ने कहा कि अब पार्टी को मजबूती देने के लिए मुझे जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना है और आगामी चुनाव में कैसे विरोधियों को परास्त करना है, इसकी रणनीति बनानी है। रवि प्रकाश ने कहा कि 2022 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस आशा के साथ अनुशासित रहकर जिम्मेदारी को पूरा किया जाएगा और संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। रवि प्रकाश ने कहा कि अपने समर्थकों के साथ मिलकर मैं क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन के अलावा जनसंपर्क अभियान तेज करूंगा और 2022 में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए अखिलेश यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।